दीवारों को रंग लगाओ, दीवारों को रंग लगाओ, हर कमरा में दिल से सजाओ। दीवारों को रंग लगाओ, हर कमरा में दिल से सजाओ। कभी मीठा कभी नमकीन बनाओ, कभी मीठा कभी नमकीन बनाओ, ऐसे में पकवान बनाओ। कभी मीठा कभी नमकीन बनाओ, ऐसे में पकवान बनाओ। आंगन में रंगोली सजाओ, आंगन में रंगोली सजाओ, सारा घर रोशन में कराओ। आंगन में रंगोली सजाओ, सारा घर रोशन में कराओ। इन सब में मैं खुद को बुलाओ, इन सब में मैं खुद को बुलाओ, ऐसा ना कोई काम कराओ। इन सब में मैं खुद को बुलाओ, ऐसा ना कोई काम कराओ। पहले खुद को क्यों ना सजाओ, पहले खुद को क्यों ना सजाओ, अपने दिल में ज्योत जगाओ, अपने दिल में ज्योत जगाओ, अपने दिल में ज्योत जगाओ। नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं। ज्योतिष किचन में आपका स्वागत है। दिवाली की तैयारी शुरू हुई होगी, तो आज एक ही तैयारी के साथ हम आए हैं जिसे हम कुछ नमकीन बनाएंगे, शक्करपारा। जी हाँ, आज हम बनाएंगे शक्करपारा। शक्करपारा हम थोड़ा खस्ता बनाएंगे, थोड़ा नहीं बहुत खस्ता होने वाला है, लेकिन क्या है, हमारे घर के बुजुर्ग आसानी से ये खा सकते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना कि नहीं अभी हमारी उम्र हुई है, कहाँ हम कड़क खाए, ये सब बोलते हैं, तो थोड़ा उनके लिए थोड़ा खस्ता बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं शक्करपारा। शक्करपारा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो मैदा, 250 ग्राम गेहूं का आटा, 1 कप शुगर पाउडर, 2 कप घी, 2.5 कप दूध, 1/2 कप सूजी, 1 टेबलस्पून हमें काले तिल और वाइट तिल लेना है, और 1/4 टीस्पून सॉल्ट लेना है। पहले हमें घी गरम करना है। अब हम दोनों आटों को अच्छे से छान कर ले लेंगे। अब हम 1.5 कप शुगर पाउडर डालेंगे। आधा कप सूजी, 1/2 कप अब हम तिल डालेंगे। और नमक, अब हम थोड़ा मिक्स करके ले लेंगे। हमें घी के मोहन को अच्छे से आटे पे फैलाना है। देखिए इस तरह से। अब हम चम्मच की सहायता से इसे मिक्स करेंगे। घी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम चम्मच से ही मिक्स करेंगे। दो मिनट रुक के हाथों से फिर करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से आटा बनना चाहिए।
देखिए ऐसा गोला तैयार होना चाहिए। अब हम दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हाथों से मिक्स करना है। आटे को अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेना है। हमें जैसे जैसे दूध की ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे दूध डालते जाना है, लेकिन आटा ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम आटे के गोले करके ले लेंगे। मैंने गोले बनाकर ले लिए हैं। अब हम इसे प्लास्टिक फॉइल में रैप करेंगे। अब हमें आधा घंटे के लिए आटे को रेस्ट देना है। अगर हमारा आटा ज़्यादा कड़क होता है तो हम उसे 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे। माइक्रोवेव करके हमारा आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम आसानी से रोटी बेल सकते हैं। देखिए इस तरह से रोटी बेलना है। अब हम चाकू की सहायता से इसे काटेंगे। आपको डायमंड शेप चाहिए तो डायमंड शेप कर सकते हो, मैं यहाँ स्क्वायर कर रही हूँ। देखिए इस तरह से अब मैं दूसरी रोटी बेल रही हूँ। देखिए इस तरह से रोटी मोटी होनी चाहिए। इस तरह से हम बाजू का पोर्शन हटाएंगे और स्क्वायर पार्ट ही ले लेंगे। देखिए इस तरह से मोटी होनी चाहिए। हमारा शक्करपारा ऐसे थोड़ा मोटा रहेगा तो उस एकदम खस्ता हो जाएगा। मैंने ऑयल गरम करने रखा था। ऑयल गरम हुआ है कि नहीं एक बार चेक करेंगे।
ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें शक्करपारा डालेंगे। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं होना देना है, नहीं तो हमारे शक्करपारा जल जाएंगे और हमें धीमी आंच पे ही शक्करपारा को फ्राई करना है। बिल्कुल भी हमें गैस फास्ट नहीं करना है, बस धीमे आंच पे ही हमें करते जाना है। थोड़ा टाइम लगेगा पर हमारे शक्करपारा एकदम खस्ता बनेंगे। अगर हम गैस की फ्लेम ज़्यादा करते हैं तो अंदर से कच्चे रहते हैं और ऊपर से जल जाते हैं, इसीलिए हमें गैस की फ्लेम कम ही रखना है। तब तक हम दूसरे शक्करपारा बना के ले लेते हैं। देखिए अच्छे से कलर आने लगा है। जब भी आप बनाएं इस तरह से कलर आ जाए, यही आपको ध्यान रखना है। धीमे आंच पे ये कलर आ ही जाता है और अंदर से भी शक्करपारा अच्छे से पक जाता है। अब हम टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। बस इसी तरह से अब फ्राई करते जाना है।
हमारे शक्करपारा बनके तैयार है। देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं। आप भी इस दिवाली ऐसे शक्करपारा ज़रूर बनाएगा। ये शक्करपारा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएगा। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे।